हेलो फ्रेंड्स, आ गए एक और नई वीडियो के साथ। तो फ्री गार्डनिंग क्लास पार्ट वन में हमने आपसे बात करी थी सॉइल के बारे में। तो आज फ्री गार्डनिंग क्लास का पार्ट टू में हम लोग आज कवर करने वाले हैं पॉट साइज़ के बारे में। तो ये कुछ मेरे पे पॉट्स हैं, इसी से ही हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे और लास्ट में कुछ हम आपको बताने भी वाले हैं। इंफॉर्मेटिव वीडियो है तो आप एंड तक मेरी वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन से प्लांट के लिए कौन सा साइज सबसे बेस्ट रहता है? तो देखिए, सबसे पहले हम कटिंग से बात करेंगे। कटिंग जब हम ग्रो करते हैं तो हम उसे किस में लगाएं? सबसे पहले जब कटिंग आप ग्रो करें, इस टाइप के छोटे छोटे पॉली बैग्स में ग्रो करें, या बना लीजिए या आप परचेज़ कर सकते हो। जो पॉट्स आते हैं छोटे साइज़ के, दिखाते हैं कौन सा साइज़ हम आपको बता रहे हैं। इस टाइप का आप एक पॉट पहले परचेज़ कीजिए, उसमें कटिंग ग्रो कीजिए। जब वो कटिंग ग्रो हो जाए, उसके बाद 15 से 20 डेज में जब भी आपकी ग्रो अच्छे से हो जाए, उसके बाद आप उसको इस पॉट में शिफ्ट कीजिए। इस टाइप जब इस टाइप से हो जाए, कुछ टाइम इसमें लगे रहने दीजिए, फिर उसको आप थोड़े से बड़े पॉट में शिफ्ट कीजिए। उसके बाद थोड़े से और बड़े पॉट में शिफ्ट कीजिए, और जब फाइनली उसका फ्लावरिंग का टाइम हो तो आप उसको न्यू पॉट में शिफ्ट कीजिए। कभी भी आप डायरेक्ट इस टाइप के बड़े पॉट्स में इस टाइप के छोटे प्लांट्स नहीं लगाएं, या उसके आसपास प्लांट होने चाहिए उसी पॉट में। क्योंकि जो बड़े पॉट में हम छोटा प्लांट लगा देंगे तो हमारा क्या होता है, ओवर वाटरिंग का और प्लांट के मरने के चांस ज़्यादा होते हैं। प्लांट को ज़्यादा स्पेस मिलेगा तो वो कन्वे नहीं कर पाता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही हम आपसे बात करेंगे। और हमेशा प्लांट का साइज़ देख करके ही आप ग्रो किया करो प्लांट को। हमेशा आप उसको स्टेप बाय स्टेप प्लांट को लगाएंगे तो सबसे बेस्ट रहता है। ये मेरा जो आप हिबिस्कस देख रहे हो, ये भी मैंने स्टेप बाय स्टेप लगाया था और आज इसकी आप ग्रोथ देख सकते हो। बस यही एक वजह है, इस टाइप से ही आप जो है स्टेप बाय स्टेप चलिए प्लांट को ग्रो कर लीजिए। आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। आप इस टाइप की छोटी कटिंग को एक सिंगल स्टेप के पॉट में लगाइए, उसमें कोई भी प्लांट नहीं होना चाहिए, फिर आप देखिए कि क्या होता है हमारे प्लांट के साथ। उम्मीद है आप सब लोग को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।